नमस्कार। आज हम आपको हिंदी पाठमाला वर्णी पुस्तिका में से पाठ एक हम नन्हे बच्चे कविता सुनाने जा रहे हैं। इस कविता में कवि सोहन लाल द्विवेदी जी ने हम नन्हे बच्चों के निर्मल हृदय में देशभक्ति की भावना व्यक्त करते हैं। तो आइए हम ये कविता सुने। हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं, नादान उम्र के कच्चे हैं, पर अपनी धुन के सच्चे हैं। जर्नी की जय जय गाएंगे, भारत का ध्वज फहराएंगे, अपना पथ कभी ना छोड़ेंगे, अपना प्रण कभी ना तोड़ेंगे, हिम्मत से नाता जोड़ेंगे, हम हिमगिरी पर चढ़ जाएंगे, भारत का ध्वज फहराएंगे। हम भय से कभी ना डोलेंगे, अपनी ताकत को तोलेंगे, साहस की बोली बोलेंगे, पग आगे सदा बढ़ाएंगे, भारत का ध्वज फहराएंगे। तो प्यारे बच्चों, आपको ये कविता कैसी लगी? अच्छी लगी ना? तो चलिए हम दोबारा इस कविता को पढ़े और समझे। हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं, नादान उम्र के कच्चे हैं, पर अपनी धुन के सच्चे हैं। जननी की जय जय गाएंगे, भारत का ध्वज फहराएंगे। प्रस्तुत पंक्तियों का अर्थ यह है कि ये नन्हे बच्चे जो आयु से नासमझ है पर अपने इरादों के पूरे पक्के हैं, जिस मातृभूमि में उन्होंने जन्म लिया और जिसने उनका भरण पोषण किया, वे उनको नतमस्तक करते हैं और सदैव भारत देश का नाम ऊंचा रखने का प्रण करते हैं। हम पद कभी ना छोड़ेंगे, हम प्रण कभी ना तोड़ेंगे, हिम्मत से नाता जोड़ेंगे, हम हिमगिरी पर चढ़ जाएंगे, भारत का ध्वज फहराएंगे। प्रस्तुत पंक्तियों का अर्थ ये है कि वे हमेशा शांति और प्यार के रास्ते पर चलकर देश की रक्षा करेंगे। जिस तरह महात्मा गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह जैसे महान पुरुष अपने भारत देश को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद कराने के लिए अपना पूरा जीवन बलिदान कर दिया था, उसी तरह ये नन्हे बच्चे भी प्रण करते हैं कि वे अपने देश के प्रति अपना कर्तव्य पूरा निभाएंगे। वे हिमालय पर्वत पर चढ़कर भारत का झंडा फहराएंगे, अर्थात वे जीवन में हर कठिनाइयों का सामना करके अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। हम भय से कभी ना डोलेंगे, अपनी ताकत को तोलेंगे, साहस की बोली बोलेंगे, पग आगे सदा बढ़ाएंगे, भारत का ध्वज फहराएंगे। इन पंक्तियों का अर्थ यह है कि ये नन्हे बच्चे कभी भी भय से डगमगाएंगे नहीं और हमेशा हिम्मत व विश्वास के साथ देश की रक्षा करेंगे। साथ ही वे हमेशा अपने पग देश की उन्नति व प्रगति में हाथ बटाएंगे। तो बच्चों, अब आप ये कविता पूरे हाव भाव सहित पढ़ेंगे व स्मरण करेंगे। धन्यवाद।